हेलो दोस्तों, आज हमारे पास MI का A3 डेड फ़ोन आया है, जिसमें कि कस्टमर का कहना है कि चलते चलते अपने आप बंद हो गया है। तो आज हम इस फ़ोन को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे, अगर आपके पास भी कोई डेड फ़ोन आता है तो आप उसको किस तरह से टेस्ट करके उसको किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें अपना जो कि DC पावर सप्लाई है उसे लगा करके चेक कर लेंगे कि इसमें क्या इशू आ रहा है। तो चलिए ये आप देख सकते हो 146 पर हमारा स्टक हो रहा है, पावर की छोड़ने के बाद भी स्टक रहता है। तो इससे हमें एक अंदाज़ा लग रहा है कि जो हमारा UFS और CPU के बीच में जो कम्युनिकेशन की लाइन होती है उसमें कोई इशू है। बाकी मैं आपको DC चार्जर पे भी लगा के चेक करा देता हूँ। ये आप देख सकते हो 1 mA पर रुका हुआ है और डिस्प्ले हमारा कुछ भी नहीं आ रहा है, सेट हमारा डेड कंडीशन में है। तो चलिए हम इसको सबसे पहले खोल लेते हैं और उसके बाद इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका CPU रिपेयर करके देखेंगे, जो कि हमारा रिवॉल्विंग होती है। तो CPU को हम सबसे पहले रिवॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ निकालना कोई ज़्यादा वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमारा समय जाता है। तो क्योंकि हमारा CPU इसलिए पॉसिबल लग रहा है क्योंकि हमारा CPU में जो है हीट होता है, जिससे कि हीट होने से हमारा लाइन ओपन हो जाता है। UFS हमारा इतना हीट नहीं होता है। अगर हम CPU बना के देखेंगे, अगर हमारा CPU से सक्सेस हो जाता है तब तो ठीक है, और नहीं होता है तो फिर हम इसका UFS भी रिवॉल्व करेंगे। बाकी आप बने रहिए वीडियो में।
चलिए सीपीयू हमारा कम्प्लीटली इसमें पेस्ट हो गया है, लग गया है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद उसके बाद फिर इसको ऑन करके देखेंगे क्या इसमें सल्यूशन निकला है। चलिए चार्जर हमने लगा दिया और ये आप देख सकते हैं ये हमारा फ़ोन ऑन हो गया है। और अब हम इसको पूरा ऑन करके चेक कर लेंगे, ये हमारा 19% बैटरी भी इसका चार्ज है। बाकी हम इसको पूरा ऑन करके चेक कर लेंगे, ये हमारा डिस्प्ले वगैरह सही चल रहा है, टच चल रहा है। बाकी अगर आप भी हमसे अपना काम कराना चाहते हैं तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कॉल ना करें। चलिए हमारा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो चुका है और आप देख सकते हैं इसमें ये पासवर्ड लगा हुआ है, तो हम इसमें ज़्यादा कुछ चेक नहीं कर सकते, ओनली टच ही चेक कर पाएंगे। और बाकी जब कस्टमर आएगा तो मैं उसको चेक करा करके सारा ही दे दूँगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आप भी हमसे अपना फ़ोन रिपेयर कराना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पर करिए हो सके तो आपसे। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।